बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। ये फुल न्यू अपडेट्स, प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कर लो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ये डेफोडेल्स ब्लॉक और डेफोडेल ब्लॉक्स में जो वर्किंग प्रोग्रेस हो रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरे एरिया, और यहाँ पे सेवरेज का काम चल रहा है। इस एरिया में सेवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है और आगे जो सेवरेज का काम चल रहा है और इसमें कटिंग भी हो रही है। ये फुल न्यू वर्किंग प्रोग्रेस है। ये वाला काम जो चल रहा है सेवरेज का काम, और साथ में लेवलिंग का काम भी जारी है। काफ़ी बेहतरीन कटिंग भी हुई है। काफ़ी टाइम बाद विज़िट किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कटिंग भी हुई है। ये डेफोडिल्स ब्लॉक ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। इस एरिया में भी काफ़ी कटिंग हुई है, लेवलिंग का काम, और यहाँ पे जो सेवरेज का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इस एरिया में। ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर। आज संडे का दिन, और संडे के दिन में भी इस ये जो सेवरेज का काम चल रहा है इस पर कुछ मज़दूर लेबर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बहरहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा होगा या होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आया। बस एक पाइप पे तो कोई सोसाइटी या कोई एक ब्लॉक कंप्लीट नहीं होता है, ना कोई ऐसा ये वर्किंग प्रोग्रेस है। सरदार ग्रुप वालों को चाहिए कि कुछ वर्किंग प्रोग्रेस में तेज़ी लेके आए। यहाँ पे काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी टाइम से लोग परेशान भी हैं। कुछ ब्लॉक्स तो काफ़ी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह लीली ब्लॉक, ट्यूलिप और आर्चर्ड और गार्डेनिया ब्लॉक जो है। बहरहाल बाकी ब्लॉक्स में भी काम होना चाहिए। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इससे आगे कोई काम हुआ ही नहीं है, ना कोई लेवलिंग का काम, ना स्ट्रीट। और यहाँ रोज़ ब्लॉक में भी जब थोड़ा बहुत काम हुआ था उसमें भी वो मज़ा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।